हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता, वेलकम टू अपना खाना। आज मैंने स्पाइसी स्वीट कॉर्न बनाया है, मसालेदार स्वीट कॉर्न, चटपटा स्वीट कॉर्न, तो सबको अच्छा लगता है। मेरे घर में तो मेरी ग्रैंड डॉटर का एक फेवरेट है। चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। स्वीट कॉर्न की रेसिपीज बनाने के लिए मैंने 2 कप फ्रोजन कॉर्न लिए हैं और उसको 1.5 कप पानी में बॉईल किया। इसको करीब 5 से 7 मिनट आपको बॉईल करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट होगा इसकी रेसिपीज बनाने के लिए। वैसे तो फ्रोजन कॉर्न ऑलरेडी थोड़ा पका होता है, लेकिन फिर भी इसको पकाने की थोड़ी ज़रूरत होती है। अगर आप फ्रेश कॉर्न ले रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसको बॉईल करिए। इसको बॉईल करने के बाद आप बीच में इसको थोड़े एक दो दाने निकाल के चेक करिए। ये हमारे स्वीट कॉर्न गल गए हैं, इसको दबाने से ये ईजिली दब जा रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया, इट मीन्स ये बनके तैयार हो गया। अब हम इसको छान के इसका सारा पानी निकाल देंगे और उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम क्लासिक कॉर्न रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है, ज़्यादातर मॉल्स में, शॉप्स में, सब जगह यही वाले कॉर्न मिलते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल में कॉर्न को डाल लिया। डिपेंड करता है कितना कॉर्न है, उस हिसाब से आप इसमें बटर को डालिए। तो मैंने इसके क्वांटिटी के हिसाब से, कॉर्न की क्वांटिटी के हिसाब से करीब 1 टेबल स्पून बटर को डाला। अगर आप 1 कप के हिसाब से बना रहे हैं तो कम से कम 1 टीस्पून तो बटर आप डालिए। इसके अलावा 1/4 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट और 1/4 टीस्पून आप इसमें पेपर पाउडर भी डालिए। मैंने भी इसी हिसाब से डाला है। उसको डालने के बाद आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा, जिससे कॉर्न के चारों तरफ कोटिंग हो जाए बटर की, सॉल्ट एंड पेपर की, तभी इसका टेस्ट आएगा। नॉर्मली यही वाला कॉर्न सब जगह खाया जाता है और लोग इसको बहुत लाइक करते हैं। ये हमारी क्लासिक कॉर्न रेसिपी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है। उसमें भी हम कॉर्न को ले लेंगे। ये करीब 1 कप मैंने कॉर्न को लिया है। उसके बाद मैंने उसमें 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स को डाला हुआ है। आपको ज़्यादा पसंद नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें चाट मसाला डाला हुआ है, साथ ही साथ इसमें काला नमक थोड़ा डालिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सारे मसाले जो मैंने डाले हैं ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने चिली पाउडर भी डाला हुआ है। आप कम खाते हैं तो कम खाइए, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा मत डालिए। बेसिकली इसमें नमक, काली मिर्च, काला नमक, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और बटर डाला है। बटर अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भी मत करिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बटरी हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिला के कॉर्न के चारों तरफ इसकी कोटिंग कर दीजिए। अब ये हमारा दूसरा कॉर्न रेसिपी तैयार हो गई है। इसको स्पाइसी कॉर्न भी कह सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम अपनी तीसरी कॉर्न की रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए अगेन हमने कॉर्न लिया एक बोल में, उसको लेने के बाद हम इसमें बहुत सारे वेजिटेबल एंड मसाले डालेंगे, जैसे कि मसाले हमने और कॉर्न की रेसिपीज में डाला है, जैसे नमक है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स हैं और थोड़े से मैंने चॉप्ड अनियंस डाले हैं। अपनी खाते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा टमाटर हैं थोड़े से कटे हुए, फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है और हरा धनिया डाला है। इसके अलावा आप ऊपर से और थोड़े से मसाले, लाइक ये मैंने नींबू का रस डाला हुआ है, 1/2 लेमन जूस आप डालिए। इसके अलावा ये ऑलिव ऑयल है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। इसमें मसाले मैंने जो भी डाले हैं आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। इसमें पिज़्ज़ा मसाला और ओरिगानो का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप वो भी इसमें डाल के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो ये हमारी बहुत ही चटपटी कॉर्न चाट बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम ऊपर से मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे। उसको डालने से भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। फाइनली मैंने इसके ऊपर हरी धनिया डाली और इसको चीज़ के साथ सर्व किया।
अब ये हमारी थर्ड रेसिपी स्वीट कॉर्न चाट बनके तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। ये शाम की हल्की भूख के लिए, बच्चों को सडनली कुछ चाहिए खाने को, तो आप ये झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मसाले आप कम ज़्यादा कर लीजिए अपनी पसंद के हिसाब से, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, तो ये परफेक्ट हो जाएगी। ये हमारी स्वीट कॉर्न चाट है और इसमें खूब सारे वेजिटेबल्स भी हैं। ये हमारा कॉर्न मसाला रेसिपी है, इसमें थोड़ी मिर्च वगैरह ज़्यादा है, आप कम करना चाहिए कर लीजिए। और ये हमारा क्लासिक वर्जन है कॉर्न का, इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और बटर है, तो ये बहुत ही सिंपल होती है पर टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।